अर्मेनिया कंट्री की टीआरसी पे आप कहाँ कहाँ जा सकते हो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, और उसके क्या क्या फायदे हैं ये भी मैं सब आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो में बने रहना, जो भाई चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और चलती चलती वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें। तो मैं टीआरसी की बात करता चलूँ भाई, तो टीआरसी कुछ भाइयों को मालूम नहीं होता ना, जो नए आते हैं फर्स्ट टाइम आउट ऑफ कंट्री आते हैं, अभी टीआरसी का मतलब क्या होता है ना, कि टीआरसी क्या चीज़ होती है और कैसे बनती है। ठीक है, तो इस विषय में मैं आपको आज बताऊंगा टीआरसी के भी, हाँ भी कैसे बनती है और कौन बनवाता है और क्या क्या बेनिफिट है इसके। ठीक है, तो टीआरसी की भाई फुल फॉर्म है टेम्परेली रेजिडेंस कार्ड, जो कि एक नागरिकता मिलती है आपको, टेम्परेली नागरिकता देते हैं आपको। ठीक है, कंट्री कोई भी कंट्री है तो टेम्परेरी नागरिकता देती है। ये टीआरसी बनवाता कौन है, क्वेश्चन भी कई भाइयों का रहता है कि टीआरसी कार्ड बनवाता कौन है और हम कैसे बनवा सकते हैं इसको। तो टीआरसी कार्ड भाई, जब भी आप इंडिया से, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल से कोई भी कंट्री में विजिट करते हो, है मैं स्पेशल आर्मेनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये आप कोई भी कंट्री में विजिट करते हो तो आपके वर्क परमिट के आधार पे एम्प्लॉयर आपकी टीआरसी कार्ड बनवाता है। दूसरा, जब आप कोई बिजनेस करते हो, ठीक है, तो बिजनेस के लिए भी आपको टीआरसी कार्ड चाहिए। ठीक है, वो आपको जब भी आप किसी कंट्री में बिजनेस पे, यानी बिजनेस ट्रिप पे कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, तो उस उन डॉक्यूमेंटों पे आपकी टीआरसी कार्ड बन जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको उनकी कंट्री में पैसा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, ठीक है, तो उस बेस पे वो आपकी टीआरसी कार्ड बना देते हैं बिजनेस के लिए। और थर्ड ऑप्शन भाई, जो बच्चे स्टडी के लिए जाते हैं, ठीक है, उनकी तो कॉलेज के थ्रू ही टीआरसी कार्ड बन जाती है। तो ये टीआरसी कार्ड तीन वे से बनती है, एक स्पेशल कार्ड भी बनता है। ठीक है, टीआरसी कार्ड 1 साल की होती है, ठीक है, और अपना परमानेंट रेजिडेंस कार्ड होता है वो 5 साल का होता है, और एक स्पेशल कार्ड होता है वो आर्मेनिया में मिल रहा है इस टाइम, वो 10 साल का होता है। ठीक है, तो 10 साल के बाद आपको रिन्यूअल कराना पड़ता है, ये 5 साल के बाद जो परमानेंट रेजिडेंस कार्ड है होता है वो आपको 5 साल बाद रिन्यू कराना पड़ता है, और ये 1 साल बाद होता है जो वर्क वाला होता है। ठीक है, कॉलेज का लगा लो या कहीं का भी लगा लो, ये 1 साल बाद रिन्यूअल होता है। तो आर्मेनिया की टीआरसी की बात मैं करता चलूँ, तो इसकी टीआरसी पे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो यूरोपियन एरियाज के लिए। ठीक है, जो कि ही, यानी कि मैं ये तो नहीं कहूँगा भी इजी मिल जाता है, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं होती हैं फुलफिल करनी होती हैं। ठीक है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, बैंक डिटेल मांगते हैं, कुछ भी मांगते हैं, और आपकी कंपनी की तरफ से कोई लेटर वगैरह चाहिए होता है। अगर आप आर्मेनिया से आगे के लिए आना सोच रहे हो तो वहाँ से थोड़ा ईजी है, बेटर देन इंडिया। ठीक है, तो वहाँ से आप मूव हो सकते हो आगे। ठीक है, वीज़ा अप्लाई करके वहाँ से आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बेनिफिट है वहाँ की टीआरसी का। तो वहाँ से मूव होने के लिए, यानी कि आपके पास 90% चांस है वहाँ से वीज़ा लगवा सकते हो, जैसे कि लोग दुबई से वीज़ा लगवा लेते हैं ना आगे मूव होने के लिए। तो अभी आर्मेनिया कंट्री है, वहाँ पे आप काम करो कुछ टाइम, 1 साल करो, उसके बाद आप कंपनी से रिक्वेस्ट करके उनसे एक लेटर मिल, आर्मेनिया कंट्री है वहाँ पे आप काम करो कुछ टाइम, 1 साल करो, उसके बाद आप कंपनी से रिक्वेस्ट करके उनसे एक लेटर मिलता है, और लीज लेटर होता है, तो वो एक लेके वो अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे लगाने पड़ते हैं, कंपनी के टैक्स वगैरह सब कुछ पे पू करके। ठीक है, तो ये सब डॉक्यूमेंट कंपनीज के लगते हैं वहाँ पे, कंपनियों को पता होता है क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो आपको करा देती हैं सब कुछ। ठीक, मूव हो सकते हो। ठीक है, ये एक प्लस पॉइंट है वहाँ का इस टाइम। और टीआरसी लेने के लिए आपको भाई वहाँ पे काम करना पड़ता है, ऐसे कोई फ्री में बैठा के आपको टीआरसी कार्ड नहीं देता। ठीक है, कभी आप सोचने लग जाओ कि मैं वहाँ पे टीआरसी कार्ड ले लूँ और आगे मूव हो जाऊँ, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाइयों। पहले आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा, कोई भी एम्प्लॉयर ऐसे किसी को अपनी अथॉरिटी पे ये टीआरसी कार्ड प्रोवाइड नहीं कराता। ठीक है, ये एक जिम्मेवारी वाला काम होता है, हाँ ये बंदा मेरे पास काम कर रहा है ना, तो उसकी जिम्मेवारी लेनी होती है, जिस पे उसके डॉक्यूमेंट लगते हैं, उसकी कंपनी के डॉक्यूमेंट लगते हैं, तब जाके आपको टीआरसी कार्ड मिलता है। ठीक है, तो ऐसा वो बिल्कुल नहीं करते, फ्री में कोई नहीं करता, आपको उनके पास काम करना पड़ेगा तब जाके आपको टीआरसी कार्ड वो दिलवाते हैं, अदरवाइज आपको टीआरसी कार्ड नहीं मिलेगा। अगर आप सोचें तो कि मैं वहाँ पे जाके टीआरसी कार्ड ले लूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाइयों। ठीक है, पहले आपको काम करना पड़ेगा, उसके बाद टीआरसी कार्ड मिल जाता है।
ठीक है, 1-2 मंथ काम करना पड़ता है, फिर वो आपका काम देख के भी आप यहाँ पे टिकोगे या नहीं टिकोगे, तो उस बेस पे वो आपका टीआरसी कार्ड अप्लाई करा देते हैं। अगर आपकी कंपनी ने आपको टीआरसी कार्ड प्रोवाइड किया है ना, तो उसको हमेशा अपने साथ कैरी करके चलना चाहिए, ना कि कभी रूम पे रख दो, ठीक है, रूम पे रखना गलत है, हमेशा अपने साथ कैरी करके चलो चलना चाहिए। इन फ्यूचर अगर आपको कोई चेक कर ले तो उसमें आपको आपके पास अपने डॉक्यूमेंट होंगे तो आप शो कर सकते हो, ठीक है। तो टीआरसी कार्ड हमेशा अपने साथ कैरी करके चला करो। बाकी कंट्री ओसम है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ब्यूटीफुल कंट्री है, विजिट करो। अगर आपको घूमने की इच्छा है तो आर्मेनिया कंट्री में जाओ भाई, ठीक है, ऑन अराइवल वीज़ा देता है इंडिया को, कोई दिक्कत नहीं है, तो बेस्ट कंट्री है भाई घूमने के लिए, तो जाओ भाई। अगर आपके पास टाइम है तो घूमने का, तो वहाँ पर एक बार विजिट ज़रूर करना, ठीक है। ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, 1 वीक का 6 यूरो का खर्चा आता है वहाँ के वीज़े का, $6 या 6 यूरो का आता है 1 मंथ के लिए। 31 यूरो लगा लो या डॉलर लगा लो, सेम सेम ही चल रहा है आज की डेट में तो रेट, ठीक है। तो इनका दोनों का रेट सेम ही है, 31 यूरो और $31 सेम ही है। इतनी फीस है इसकी वीज़ा प्रोसेसिंग की, तो वो रिफंडेबल नहीं है भाई, अगर आप अप्लाई करोगे तो वो रिफंडेबल नहीं है, ठीक है। तो वीज़ा इजीली मिल जाएगा, कोई चक्कर नहीं है वीज़े के लिए, तो वीज़ा इंडिया को ऑन अराइवल देते हैं वो लोग। आप ऑनलाइन भी अप्लाई करते हो, इन 3 डेज में आपको वीज़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना, और थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्टिंग। लव यू गाइस, बी सेफ, टेक केयर।